हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। आई होप आप सभी की आई पी मैट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। और आज के वीडियो में मैं आपको एक छोटी सी सजेशन दूंगा, बहुत ही छोटा वीडियो है और थोड़ी सी आपको टिप्स दूंगा, हो सकता है वो आपके काफ़ी काम आए, तो ध्यान से देखिएगा। काफ़ी छोटा वीडियो है, एक बार मेरी बात सुन लीजिएगा, आपको काफ़ी हेल्प करेगी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में, ठीक है। तो आज मैं बात करूँगा इस टॉपिक पर कि विल आई एम इंदौर और विल आई एम लखनऊ एंड आई एम बैंगलोर स्टार्ट IPM इन 2021, ठीक है। तो इसके बारे में छोटा सा एक डिस्कशन करूँगा, बहुत ही छोटा सा, तो उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आएगी, है ना, और आपको उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन भी करोगे, है ना, ठीक है। तो चालू करते हैं। उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जस्ट ये 2 ईयर्स में, अभी जब से हमने हमारे वीडियो कोर्सेज लॉन्च किए 2019 से, लास्ट ईयर 9 स्टूडेंट्स का IPMAT इंदौर क्लियर हुआ था, ठीक है। 13 का IPMAT रोहतक क्लियर हुआ था, क्योंकि IPMAT रोहतक ने तब तो सेंटर बेस्ड एग्ज़ाम लिया था। इस साल हमने IPMAT रोहतक के रिजल्ट इसलिए नहीं डाले क्योंकि मैंने वीडियोस, अगर आप मेरे सर्च करोगे तो पहले ही बोल दिया था, इस बार को उनका एग्ज़ाम बिल्कुल भी अच्छे तरीके से कंडक्ट नहीं करवाया था, गूगल फॉर्म पर एग्ज़ाम हो गया था, तो फिर उसके हमने रिजल्ट की बात ही नहीं की थी, ठीक है। तो इस बार लेकिन जो IPMAT इंदौर का हमारा जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा आया है, और ऑल ओवर इंडिया परसेंटेज वाइज तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट होगा। 12 स्टूडेंट्स का IPMAT इंदौर क्लियर हुआ है, और फाइनल सिलेक्शन इसमें से 7 का अभी तक की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हो गया है। ये उनके नाम दिए गए हैं, ठीक है, इनमें से रोहन, देन ध्रुव, मनन तो टॉप 10 में है, फिर योग्य, तुलसी, वेदिका, अरमान, इनका फाइनल सिलेक्शन अभी तक की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हो गया है, ठीक है। उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर आप लोगों के भी नाम ऐसे ही आएंगे। और हमारी वेबसाइट पे एक सेक्शन है क्रिएटर्स टॉपर्स, उसमें हम हर साल हमारे यहाँ के टॉपर्स स्टूडेंट्स की फ़ोटो लगाते हैं, तो ये अभी तक की अपडेटेड लिस्ट है, चाहे वो कैट के टॉपर्स हों या IPMAT के हों। उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर आप लोगों का भी मौका मिलेगा इधर आने का, लेकिन इसके लिए फाइनल सिलेक्शन आपको करवाना ही पड़ेगा, तभी जाके आप इधर आ पाओगे, ठीक है। तो ज्वाइन कीजिए हमारे इंस्टीट्यूट, और सपोर्ट ID पे एक मेल जरूर कीजिए इधर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद। और अगर आपको हमारा कोई भी कोर्स परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी हुई है, आप वहाँ पे जाके कोर्स परचेस कर सकते हैं, लिंक पे पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हम जो कम्युनिकेशन करते हैं हमारी Gmail ID के थ्रू ही करते हैं, वो Gmail ID आपको वीडियोज़ में मिल जाएगी। अब मेरी एक सजेशन है IPMAT 2021 के एस्पिरेंट्स के लिए। देखिए, दो कॉलेजेस जो हैं, एक है IIM लखनऊ और एक है IIM बेंगलोर। इनका मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आप लोग तो अभी अभी प्रिपरेशन में आए, तो हो सकता है आप अभी सुन रहे हो तो आप ज़्यादा एक्साइटेड हो। IIM लखनऊ का तो मैं लास्ट 3 to 4 ईयर्स से सुन रहा हूँ कि ये स्टार्ट करने वाला है, लेकिन अभी तक स्टार्ट हुआ नहीं है, ठीक है। तो हर साल क्या होता है, जितने आप जैसे एक्सपेरेंट्स रहते हैं, है ना, बहुत उम्मीद लगा लेते हो कि इस बार हम तैयारी कर रहे हैं तो IIM लखनऊ भी चालू हो जाएगा, और ऐसे इंस्टीट्यूट है ना, हम लोग भी बोल सकते हैं कि हाँ चालू कर रहा है, आप लोग प्रिपरेशन करो। इन सब की बातों में कभी भी ध्यान मत देना जब तक कोई फाइनल नोटिफिकेशन ना आ जाए ऑफिशियल। नहीं तो मान लो मैं अभी बोल दूँ कि IIM लखनऊ चालू कर रहा है नेक्स्ट ईयर से, IIM बेंगलोर चालू कर रहा है, तो हो सकता है कि मैं एडमिशन के लिए बोल रहा हूँ कि जिससे मेरे इंस्टीट्यूट में ज़्यादा एडमिशन हो जाए, लेकिन इस तरीके के एडमिशन का क्या मतलब जब तक ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन ना आए। तो मेरा आपको पर्सनल सजेशन रहेगा, ये मेरी तरफ से सजेशन है, जब तक आपके पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना आ जाए, भले ही वो IIM लखनऊ का हो चाहे बेंगलोर का हो। बेंगलोर में भी कई लोग बोल रहे हैं कि उनके डायरेक्टर ने कहा है, देखो ऐसा कुछ नहीं है, उनके डायरेक्टर का जो वीडियो था उसमें कहा था कि वो प्लानिंग कर रहे हैं बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च करने की तैयारी में, है ना, उसमें IPM मेरे ख्याल से कहीं मेंशन नहीं था, और तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो कर रहे हैं, तो ऐसे बहुत साल से बहुत लोग हर चीज़ की तैयारी करते रहते हैं। तो एक चीज़ बस मेरी मान लो, जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना आ जाए, ये मेरी बात ध्यान में रखना, अपने दिमाग में बिठा लेना, जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना आ जाए तब तक किसी की बात पे बिलीव मत करना। अगर IIM लखनऊ या IIM बेंगलोर IPM का प्रोग्राम चालू करेगा तो वो अपनी वेबसाइट में ज़रूर बताएंगे, तो आप उनकी वेबसाइट पे जाके देख लेना। जब उनकी वेबसाइट पे आपको लिखा दिख जाए कि हाँ हमने प्रोग्राम चालू कर दिया है, इतनी इतनी सीट्स हैं, तब आप यकीन करना कि हाँ चालू हो गया है, क्योंकि मैं पिछले काफ़ी सालों से IIM लखनऊ का तो सुन ही रहा हूँ,
है ना। बैंगलोर का तो चलो इसी साल सुना था, लेकिन लखनऊ का तो 3 से 4 साल से सुन रहा हूँ। तो देखो बहुत सारी इनकी भी प्रोसेस रहती है, हो सकता है चाह रहे हो करना, लेकिन जब तक वो पूरी प्रोसेस ना कंप्लीट हो जाए तब तक चालू होंगे नहीं। तो जब तक चालू ना हो जाए तब तक इन अफवाहों पे ध्यान मत देना। देखो अफवाहों पे ध्यान देने से आप जबरन के अपने आप को कभी मोटिवेट करोगे, कभी डिमोटिवेट हो जाओगे, तो ऐसा फ्लक्चुएशन मत आन दो। आप अपनी तैयारी करो। आई एम इंदौर भी ये भी मान के चलो, क्योंकि टॉप में वही है, रोहतक पे तो ज़्यादा मैं ध्यान देता नहीं। तो आप आई एम इंदौर के हिसाब से तैयारी करो, और इन केस लखनऊ या बैंगलोर चालू करते भी हैं तो पैटर्न तो इंदौर जैसा ही रहेगा, है ना। तो आप इंदौर पे ही पूरा का पूरा फोकस करो। और हाँ, अगर आपके पास टाइम हो एक्स्ट्रा, है ना, तो आप LRDI के और अच्छे अच्छे लेवल के सेट सॉल्व करते रहो दिन में एक दो। तो इनकेस अगर कोई भी इनमें से आई एम चालू करता है और LRDI का भी अलग से सेक्शन रखता है, तो आपकी अभी से प्रिपरेशन रहेगी। और वैसे भी अगर आपका मैथ्स अच्छा है ना, तो LRDI में आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अपनी क्वांट बहुत अच्छी कर लीजिए। LRDI पे अगर आप डेली 1 या 2 सेट भी करते हैं तो आपकी बहुत अच्छी एक प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। रोहतक में तो जो LRDI आता है उसका लेवल थोड़ा सा लो रहता है, लेकिन इनके आगे कोई और IIM चालू करता है और हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता उस समय प्रिपरेशन का, तो बस अभी से आप 1 या 2 सेट डेली LRDI के सॉल्व करते रहिए, तो आपकी ऑटोमेटिक प्रिपरेशन चलते जाएगी। तो आपको एकदम से आखिरी में लोड नहीं आएगा कि अरे हमें ये भी करना है वो भी करना है, क्योंकि LRDI में SH कोई थ्योरी होती नहीं है बहुत ज़्यादा कि आपको उसको याद करना पड़े। थ्योरी सिर्फ मैथ्स में ही होती है, तो मैथ्स की प्रिपरेशन अपनी बहुत अच्छे से करते चलो, ठीक है। और अफवाहों पे ध्यान मत दो। आजकल वैसे भी अफवाहें ही अफवाहें चल रही हैं, तो इतना उन पे फोकस नहीं करना चाहिए। और मैं बार बार अपने हर वीडियो में बोलता हूँ, और मेरे जितने स्टूडेंट्स से अपनी बात भी होती रहती है, सोशल मीडिया से जो जितना दूर रहता है वो एग्ज़ाम में उतना ही अच्छा रिजल्ट लाता है। तो सोशल मीडिया से आप दूर रहो, है ना। सोशल मीडिया में ज़्यादा सोशल होने की ज़रूरत नहीं है। चैटिंग वेटिंग इग्नोर करो, बिल्कुल ध्यान मत दो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, है ना। ये अफवाहें सोशल मीडिया में ही फैलती रहती हैं, ये आपको जबरन डिस्ट्रैक्ट करेंगी। और सही में जिस भी दिन आई एम लखनऊ या आई एम बैंगलोर चालू करेगा, आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी, तो उसके लिए इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप अभी एट प्रेजेंट, आज जिस भी डेट को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, 9th अक्टूबर को 2020, ये मान के चलो आज की डेट में सिर्फ 2 ही IIM हैं जो IPM प्रोग्राम चला रहे हैं, एक IIM इंदौर और एक IIM रोहतक। आप आज की डेट के हिसाब से यही 2 मान के चलो। हाँ, तैयारी अगर आपने इंदौर के हिसाब से बहुत अच्छी कर ली, तो इन केस फ्यूचर में लखनऊ या बेंगलोर स्टार्ट करेंगे भी, तो आपकी प्रिपरेशन ऐसी रहेगी कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो आप मान के चलो इंदौर ही है अभी, और जी जान से तैयारी करो। टिप्स मैंने बताई रखी, मेरे वीडियोस आप सर्च करना, प्रीवियस वीडियोस चैनल पे, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे तैयारी करनी है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आप हमारे चैनल को फॉलो करते हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ये भी गलत बात है। देखो इतने बड़े बड़े ब्रांड हैं, उनके इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं, तो आपकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि मेरा नाम भी आप एज अ ब्रांड बनाओ, है ना, है कि नहीं। तो अगर आप चाहते हो मुझे ब्रांड बनवाना, तो मेरे चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब करो। कोर्सेज कोई भी परचेस करना है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी हुई है, आप वहाँ से जाके पूरी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, ठीक है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।